हाय दोस्तों, रानी मीरा पांडे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं काली फ्लावर के डंडे का सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप सोचेंगे कि काली फ्लावर खाते ही हैं, अब डंडा का सब्जी कैसा लगेगा? तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। काली फ्लावर तो हम खाते ही हैं, डंडा को फेंक देते हैं। तो डंडा क्या करते हैं, या तो कूड़े में फेंक देते हैं या गाय भैंस को डाल देते हैं। तो इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। इसको खाने से हमें अगर कैल्शियम की कमी है तो बहुत ही लाभप्रद होगा और बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। अभी देखिए ये काली फ्लावर का हम लोग सब्जी बनाते हैं। ये तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं काली फ्लावर के डंडे का सब्जी बनाऊँगी। तो उसको किस तरह से काटेंगे मैं बता रही हूँ। देखिए काली फ्लावर इस तरह से मैं निकाल दी। दोस्तों काली फ्लावर कभी भी इस तरह से ही मत रखिए, इसको अच्छी तरह से निकाल करके काट के, इसमें कीड़ा रहता है तो कभी भी निकाल के काट के रखेंगे फ्रिज में तो ये एक हफ्ते तक स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से देख करके अब इसमें कीड़ा देखिए, एक लास्ट में कीड़ा है, देखिए कितना छोटा है। देखिए इसको इसी तरह हम फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में बड़ा भी हो जाता है और ये काली फ्लावर को खाने लगता है, काली फ्लावर गंदा हो जाता है। अब इसको इस तरह से हम निकाल देंगे। इसको देखिए मैं फेंक रही हूँ, ऐसे ही सारे काली फ्लावर इस तरह से देख लेंगे कि इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं। देखिए इसमें गंदगी है, इसको तोड़ के निकाल देंगे। इस तरह से नीट क्लीन करके रखेंगे तो एक हफ्ते तक एकदम से अच्छा और ताज़ा रहेगा। देखिए अभी देखिए ये सब काली फ्लावर को मैं नीट और क्लीन कर दूंगी हूँ। अब इस तरह इसको प्लास्टिक कवर में मैं रखूँगी और रख करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये हफ्ते भर तक एकदम से अच्छा रहेगा, जब मन करे निकालो और बना लो। कभी भी बिना क्लीन किए मत रखिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारा कीड़ा रहता है और फ्रिज में रखने से वो कीड़ा बड़ा बड़ा होने लगता है और काली फ्लावर का टेस्ट ख़राब कर देता है। तो देखिए इस तरह से मैं रख लूँगी। अब इसको इस तरह से बांध करके फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक ना हो तो कोई डब्बा हो उसमें भी आप बांध करके, बंद करके ढककर आप फ्रिज में रख देंगे। अब ये काली फ्लावर एकदम ताज़ा रहेगा, रोज आपको जब भी मन करे निकाल करके आप बना सकते हैं। अभी देखिए इसको हम लोग फेंक देते हैं तो इसका ही मैं सब्जी बनाऊँगी। दोस्तों काली फ्लावर के डंडा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। तो इस तरह से देखिए कड़ा है, पहले इसके डंडा को मैं काट देती हूँ। अरे 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 मैं उल्टा करके काट रही थी। देखिए डंडा को इस तरह से काट रही हूँ। अब ये हिस्सा बच गया, इस हिस्सों को मैं काटूँगी। देखिए इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये डंडे में बहुत ही कैल्शियम है। इसको इस तरह से छोटा छोटा पीस काट रही हूँ। देखिए अभी देखिए पत्ता है, इसको इस तरह से मैं तोड़ लूँगी। अब तोड़ करके इसको भी कट करके सब्जी में मैं डालूँगी। जैसे आप कोई भी साग खाते हैं ना उसी तरह से इस पत्ता का भी उसमें उपयोग मैं कर लूँगी। अब ये देखिए डंडा है, इसको क्या करेंगे इस तरह से आराम से छील देंगे। ये बिना छीले गलेगा नहीं, इसका छिलका हार्ड होता है इसलिए छीलना ज़रूरी है। ये
इस तरह से मैं सारे को छील लूंगी। अब इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ों में कट करूंगी। ये देखिए ऑलरेडी मैं इतना कट करके रखी हूँ, देखिए मूली की तरह ये कट रहा है। दोस्तों ये जो डंडे का पिछला हिस्सा है इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा करके और मैं पौधों में डाल दूंगी तो पौधा अच्छी तरह से बढ़ेगा और उसमें फल भी अच्छा आएगा। अगर फूल में डालते हैं तो वो भी पौधा अच्छा ताकतवर होगा। अगर आपको पौधा में नहीं डालना है तो इसको भी आप वेस्ट मत करिए, गाय को खिला दीजिए। दोस्तों पहले मैं सरसों का तेल डालूंगी, अंदाज से डालना है 2 से 3 चम्मच। अब ये मेथी है 1/2 छोटा चम्मच और 1 हरा मिर्चा और जीरा 1/2 बड़ा चम्मच। अभी देखिए ये जीरा और मेथी ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डालूंगी। अभी देखिए थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गया तो इसमें मैं हींग डालूंगी। थोड़ा सा हींग अंदाज से डालना है और ये अदरक लहसुन और हरा मिर्चा का पेस्ट है। अब गैस को मैं स्लो कर दूंगी, इसको स्लो आंच पर ही भूनना है। दोस्तों ये कॉलीफ्लावर का डंडा बहुत ही फायदेमंद है, इसको रोज़ नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार ही खा सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो भी तकलीफ़ हो जाएगी। अगर जिसको कैल्शियम की कमी है तो इसके सेवन से लाभप्रद होगा। अब ये देखिए जो कॉलीफ्लावर का पत्ता था और वो डंडा, उसको अच्छी तरह मैं पानी में धो के निकाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह चला करके अभी स्वादानुसार नमक डालेंगे। दोस्तों ध्यान रहे इसमें पानी नहीं डालना है। अभी इसको अच्छी तरह मैं चला दूंगी, चलाने के बाद ढक दूंगी। ये नमक डालने से इसमें पानी छोड़ देगा, अपने आप पानी आ जाएगा, इसलिए वो पानी नहीं डालना है। ये भाप में ही पकेगा तो अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। अभी इस तरह से मैं 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। अभी 3 मिनट हो गया, देखिए मैं इसको खोल के देख रही हूँ, देखिए पानी छोड़ दिया इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, देखिए 1/4 चम्मच है। अब इसको मैं अच्छी तरह चला दूँगी। दोस्तों ये जो मैं नमक डाली थी ना उसी से पानी छोड़ा है और ये अच्छा से पक रहा है, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपको जल्दबाजी है तो ये डंडा को कुकर में उबाल सकते हैं, एक विसिल उबालने के बाद सारा पानी निकाल करके और इसमें डाल सकते हैं, वो सब्जी जल्दी बनेगी, लेकिन टेस्ट में अंतर रहेगा इस सब्जी में और उस सब्जी में, ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसको मैं फिर 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। दोस्तों अभी थोड़ा ये पक गया तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी, मसाला डालूंगी। दोस्तों ये कॉलीफ्लावर का पत्ता अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 600 मिली कैल्शियम आपको प्राप्त होगा। इसमें फाइबर भी है और आयरन भी है, ये खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ये 2 बड़ा कटा हुआ टमाटर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। मैं पहले एपिसोड में भी बताई हूँ गरम मसाला पाउडर कैसे बनाते हैं। 2 छोटा चम्मच मैं सांभर पाउडर डालूंगी, ये भी मैं वीडियो में बताई हूँ कि सांभर पाउडर कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सांभर पाउडर ना हो तो मिक्स मसाला पाउडर डाल दीजिए, अगर वो भी ना हो तो धनिया पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब कुछ 1-1 स्पून डाल दीजिए।
ये हाइट और वेट के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए ये पाचन शक्ति में भी बहुत फायदेमंद है। ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, और चावल दाल नहीं खाने का मन है तो ऐसे भी बना करके और एक कटोरी खा सकते हैं लेकर के। दोस्तों जिसको दूध का कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता हो खाने के लिए, दूध दही बटर या कुछ भी, तो ये खाने से बराबर हो जाएगा। इसमें पत्ता डाले हैं ना, तो वो फाइबर भी है इसमें, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। ये स्किन के लिए भी अच्छा है। दोस्तों काली फ्लावर लाते ही हैं तो काली फ्लावर का डंडा और पत्ता खाने से अगर अच्छा है तो क्यों नहीं उसको बना लेंगे, क्यों फेंकेंगे। इसलिए इसी तरह से आप भी बनाइए। अगर ये जूसी चाहते हैं तो इसमें पानी डाल करके और 5 मिनट उबाल करके भी बना सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों के तेल में बनाइए, नहीं तो जो भी आपको तेल पसंद है उसमें बनाइए। घी में बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी टमाटर डाली थी ना, तो उसको भी पकाना है, तो 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। दोस्तों आप सोचते हैं कि बना के बताएं कि कितने लोग खा सकते हैं, ये कितना क्वांटिटी है, तो खाने के ऊपर है। बहुत सारे लोग तो आप हाफ के जी बनाएंगे तो 2 ही लोग मिलकर खा जाएंगे, बहुत सारे लोग हाफ के जी में 10 लोग भी खा सकते हैं, 5 लोग भी खा सकते हैं। तो देखिए मैं ये 2 काली फ्लावर का डंडा बनाई हूँ, तो देखिए इस बर्तन में मैं डाल रही हूँ कि कितना हो रहा है, कितना क्वांटिटी में है, उसके अनुसार आप बनाइएगा और खाइएगा। अभी मैं बताती हूँ कितने लोग खा सकते हैं। दोस्तों देखिए सब्जी बन गया। दोस्तों हम लोग अच्छा रहने के लिए हम लोगों को कैल्शियम आयरन सब चाहिए, उसके लिए हम कुछ कुछ नया बना करके खा सकते हैं। अगर आप नया है, खाना नहीं बनाते हैं, तो ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा कच्चा बनेगा, फिर पक्का बनेगा, फिर टेस्टी बनेगा, ऐसा ऐसा करके आ जाता है। कोई भी चीज़ हम व्यंजन बनाने सीखते हैं तो उसमें दिक्कत तो होगी बनाने में, और कोई भी व्यंजन हम सोचें यार झटपट हो जाए तो वैसा मत सोचिए, धीरे धीरे आप स्लो करके बनाते रहिए और दूसरा काम भी कर लीजिए। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर लीजिए, टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी देख लीजिए, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए गैस में कुछ भी गैस के ऊपर रखें बनाते हैं तो टीवी में ही लीन मत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उसको देखते रहिए, इसमें बन जाएगा। हम लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहीं पढ़ी थी कि ये खाने से भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, तो मैं एक दिन बना करके ट्राई की तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो आज मैं सोची कि मैं अपने दर्शकों को भी बना के दिखा दूँ, जो हमारे वीडियो देखते हैं वो बना कर खाइए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में नए व्यंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।